नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साबिक अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। वानखेड़े पर इल्जाम है कि उन्होंने शाहरुख खान से आर्यन खान का केस रफा दफा करने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। इस मामले में कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने अपने रद्देमाल जाहिर करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े की तफ्तीश हो रही है। यह अच्छी बात है कि क्योंकि वो एक करप्ट ऑफिसर है जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये तहकीकात पहले क्यों नहीं हुई, उस वक्त बीजेपी हुकूमत ने उनका साथ दिया, लेकिन तहकीकात अब हो रही है, ये समझ में नहीं आया। शाहरुख खान का बेटा बार बार कह रहा था कि हम घूमने जा रहे थे, कोई ड्रग्स नहीं लिया, उसके बावजूद पैसे वसूले गए। और भी कई लोगों हैं जिनसे पैसे वसूले गए और उसकी जांच होनी चाहिए। ये जरा समझ में आना मुश्किल है क्योंकि इसको सरकार ने पहले बहुत सारी ये दी थी, बहुत सारी तरह से उसको मदद की थी। उस वक्त शाहरुख जैसे बहुत अच्छे एक्टर अभिनेता उसके बेटे को इस तरह की तकलीफ देना, बार बार कह रहा था कि मैं कोई ड्रग वगैरह लेता नहीं, घूमने जा रहे थे, उनको इस तरह की तकलीफ देना और पैसे वसूल करना, मेरे ख्याल से इसके पहले भी इन्होंने पैसे वसूल किए, जरूर उनकी जांच कीजिए।